नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन पर। दोस्तों आज जो भर्ती हम लेके हूँ आपके सामने वो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने निकाल दी है। ये भर्ती आईटी वाले कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। आज हम इसके बारे में देखेंगे। आपको सामने स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, आप उसको ध्यान से देखते रहें और साथ साथ उसको रीड करते रहें। दोस्तों बात करते हैं हम, ये जो भर्ती है ये साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने निकाली है और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें लिखा हुआ है कि ये जो भर्ती है नागपुर मंडल में मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर में 2024-25 के एक्ट अप्रेंटिस के लिए निकल चुकी है। दोस्तों इसके बाद इसमें बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले तो इसमें 10th और आईटी की हुई जरूरी है, आईटी और 10th पास की होनी चाहिए। बात करते हैं कौन कौन सी ट्रेड इसमें चाहिए और किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले देखिए सामने एक नंबर पे जो है ट्रेड वो है फिटर। फिटर के लिए जो इसमें टोटल वैकेंसी है वो है 90। नेक्स्ट ट्रेड है दोस्तों कारपेंटर। कारपेंटर के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 30। नेक्स्ट है वेल्डर। वेल्डर के लिए वैकेंसी है 19। कोपा के लिए है 114। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशियन 185 टोटल वैकेंसी है। इसमें बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों और बहुत सारी ट्रेड है इसमें। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेड है जो स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए है वो है 19 वैकेंसी है उसके लिए। नेक्स्ट है 7 नंबर पर प्लम्बर ट्रेड है सामने देखिए आप। प्लम्बर के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 24। नेक्स्ट है पेंटर के लिए जो वैकेंसी है वो है 40। उसके बाद है वायरमैन जो है वैकेंसी वो है 60। 10 नंबर पर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, 12 वैकेंसी है, 12 वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट है 11 नंबर पर डीजल मैकेनिक 90 वैकेंसी है दोस्तों, बड़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, 90 वैकेंसी है 90 डीजल मैकेनिक वाले कैंडिडेट के लिए। उसके बाद है अप होल्स्टर ट्रिमर की जो वैकेंसी है वो है 2 वैकेंसी है दोस्तों। उसके बाद है मशीनिस्ट की अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी है 22। नेक्स्ट है टर्नर के लिए वैकेंसी है 10th, 10 वैकेंसी है टर्नर वाले कैंडिडेट के लिए। उसके बाद है डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसकी जो वैकेंसी है वो है 1 वैकेंसी है इसके लिए डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। 16 नंबर पर हम देखते हैं तो जो टोटल वैकेंसी है हॉस्पिटल मैनेजमेंट टेक्नीशियन की वो है 2। हॉस्पिटल मैनेजमेंट टेक्नीशियन में टोटल 2 वैकेंसी है। और नेक्स्ट है हेल्थ सेंट्री इंस्पेक्टर, इसमें भी 2 वैकेंसी है हेल्थ सेंट्री इंस्पेक्टर के लिए। उसके बाद है गैस कटर के लिए 7 वैकेंसी है दोस्तों। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, स्टेनोग्राफर जो पहले बताई थी वो थी इंग्लिश, अभी जो स्टेनोग्राफर है वो है 8 वैकेंसी उसमें। उसके बाद है केबल जनरेटर के लिए जो वैकेंसी है वो है 10 वैकेंसी है दोस्तों। उसके बाद है 21 नंबर पर डिजिटल फोटोग्राफर, इसमें वैकेंसी अभी नहीं है कोई भी। और 22 नंबर पे है ड्राइवर कम मैकेनिक लाइट मोटर व्हीकल वाले कैंडिडेट के लिए, ड्राइवर कम मैकेनिक लाइट मोटर व्हीकल, यह है 2 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है इसके लिए। नेक्स्ट है 23 नंबर पर मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस, इसके लिए जो वैकेंसी है टोटल वो है 12 वैकेंसी है, 12 वैकेंसी है इसमें। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो है नेशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्टर के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 27। इस सभी को मिला के जो टोटल वैकेंसी बनती है वो बनती है 788, बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी है 788, 788 वैकेंसी है इसके लिए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में हम देखेंगे, कितनी वैकेंसी और कौन कौन सी ट्रेड वाले वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर के लिए। सबसे पहले बात करें तो फिटर है एक नंबर पर, फिटर की जो टोटल वैकेंसी है वो है 35 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं तो वेल्डर है 2 नंबर पर, वेल्डर की बात करें तो जो टोटल वैकेंसी वो है 7
टोटल वैकेंसी है 7। और तीन नंबर पे बात करते हैं तो कारपेंटर है, कारपेंटर के लिए 4 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है टोटल। और नेक्स्ट बात करते हैं तो पेंटर ट्रेड है, पेंटर वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसी है वो है 12 वैकेंसी है पेंटर वाले बच्चों के लिए। उसके बाद है टर्नर, टर्नर की 2 वैकेंसी है। मैं ये बताना चाहता हूँ टर्नर वाले कैंडिडेट के लिए कि जो टर्नर की वैकेंसी आती है वो रेलवे में बहुत कम आती है, बहुत कम, उसके लिए अच्छा खासा मौका है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है जो स्टेनोग्राफर इंग्लिश क्रिटिकल असिस्टेंट के लिए जो है इंग्लिश वाले स्टेनोग्राफर के लिए 3 वैकेंसी है, 3। और नेक्स्ट बात करते हैं तो इलेक्ट्रिशियन है 7 नंबर पर, इलेक्ट्रिशियन की जो टोटल वैकेंसी है वो है 10 वैकेंसी है। और जो टोटल वैकेंसी इसमें 73 है मोती बाग वर्कशॉप नागपुर के लिए, जो टोटल वैकेंसी है वो है 73 वैकेंसी है इसके बारे में। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसमें पात्र और शर्तें क्या रहने वाली है, जो कि एज की बात करते हैं तो एज 10/4/2024 को कम से कम 15 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 24 वर्ष होना चाहिए, इसके ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए ऊपरी एज में जो छूट है वो 5 साल की रहने वाली है और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो 10 वर्ष छूट रहने वाली है। यहाँ पर जो एससी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए जो टोटल जो एज है वो 29 ईयर तक है, 29 ईयर तक वो अप्लाई कर सकते, जिनकी एज अभी तक 29 ईयर नहीं हुई है और जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूरी करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले, क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, क्वालिफिकेशन में जो है वो सबसे पहले जो 10th पास की होनी चाहिए, 10th में से कम 50% नंबर होने चाहिए। जिस कैंडिडेट के नंबर 50% से कम है, चाहे वो 49 है, 49.55 है, 49.99 है, वो उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ तो सिर्फ जो 50% वाले कैंडिडेट हैं या ऊपर है इसके वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में जिस ट्रेड के लिए उन्होंने अप्लाई करना है, जिस वैकेंसी के लिए उन्होंने अप्लाई करना है उससे रिलेटेड साथ में NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से जारी हुआ हुआ जो सर्टिफिकेट है IT का वो होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट उनके पास होना जरूरी है। अगर किसी के भी कैंडिडेट के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है IT का, चाहे उसने 10th की हुई है, 50% से की हुई है, और वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, पर कम से कम 10th क्लास में जो 50% नंबर होने चाहिए और साथ में IT की होनी आवश्यक है, जरूरी है दोस्तों दोनों के लिए। बात करते हैं कि इसका चयन का तरीका क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात करें तो इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस वो मेरिट के आधार पर रहने वाला है, किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ तो सिर्फ मेरिट की मेरिट के आधार पर इसका सिलेक्शन होने वाला है। मैंने पहले ही बताया कि कम से कम 50% नंबर मैट्रिक में होने चाहिए और जिस ट्रेड में अप्रेंटिसशिप की जानी है उसमें ITI अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। 10th क्लास में जो है 50% नंबर और ITI के नंबरों के लिए मेरिट उसके आधार पे इसकी सिलेक्शन की जाएगी। 10th में 50% और ITI साथ में की होनी चाहिए, जितने भी परसेंटेज उनके बनेंगे उसके आधार पे इसकी मेरिट बनेगी, किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होने वाला है दोस्तों। जो भी कैंडिडेट है इस मैट के दौरान शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उन कैंडिडेट के लिए जो रेलवे की ओर से एक मेडिकल परीक्षा में फिट पाया जाना भी जरूरी रहेगा, उनका जो एक मेडिकल आपने प्रस्तुत करना होगा। जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन होगी जिन कैंडिडेट की, उनको मेडिकल अपना वहाँ यहाँ पे जो प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। और बात करें तो स्टाइफंड की, जो मिलने वाला है वो जो 2 साल वाले कैंडिडेट हैं उसको 8,050 रुपये मिलेगा,
जो कैंडिडेट 1 साल के अप्रेंटिस वाले रहने वाले हैं उनको जो कैंडिडेट है वो 7700 रुपया 7700 उसको मिलने वाला है साथ में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मेडिकल की। मेडिकल जो होना चाहिए, मेडिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे किसी भी सरकारी गजटेड ऑफिस डॉक्टर से आपने मेडिकल बनवा के आपका सबमिट करवाना होगा आपको। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उसके पहले इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो यहाँ पे आवेदन जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 9/5/2024 है, 9/5/2024, 9 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है। आप से अनुरोध है कि भाई आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी 9/5/2024 से पहले पहले आप अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट करवा दीजिए। और आवेदन के लिए जो वेबसाइट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे वेबसाइट ये है आपने अप्लाई करना है। सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है कि 12.1 पर लिखा हुआ है www.apprenticeship.apprenticeshipindia.gov.in। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए आप, www.apprenticeshipindia.gov.in पे जाके आपने यहाँ पे अपना आवेदन जो है अप्लाई करना है, आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अगर किसी भी प्रकार के लिए आपका क्वालिफिकेशन का कोई सर्टिफिकेट रह जाता है, मान लीजिए आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया तो बाद में वो मान्य नहीं होगा और आपका फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए, और अगर कुछ भी इस भर्ती के रिलेटेड कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। आप अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। आप हमारा चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।